अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो एक सवाल मेरे पास बहुत ज़्यादा आ रहा था कि आप फूड कौन सा यूज़ करते हैं, यानी कि फूड आप कोई सा भी यूज़ करें उसका जो उसके अंदर क्या चीज़ है, उस फूड के अंदर क्या चीज़ है, तो वो चीज़ देखनी पड़ती है कि उसके अंदर और फूड के अंदर फूड कंपनी ने क्या क्या चीज़ें मिक्स करी हैं। और एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है जो कि मैं फ़ूड लेते वक्त लाजमी चेक करता हूँ, ये मुझे एक बहुत ही ज़्यादा बड़े शॉपकीपर ने बताया था कि फ़ूड आप भले कोई सी भी कंपनी का ले लो, बस इसमें ये चीज़ देख लिया करो। तो मैं आपको बताता हूँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल है, आप भले कोई सी भी कंपनी का फ़ूड ले लें, भले वो हिकारी कंपनी हो या ऑप्टिमम या बहुत सारे मेरे को बोलते हैं हम याला यूज़ करते हैं, आप कौन सा यूज़ करते हो, तो मैं आपको बता दूं कि देखें ये मेरे पास एक फ़ूड है, ईच गोल्ड कंपनी का ही है। तो इसके अंदर देखें ये जो सबसे नीचे जो लिखा हुआ है ना, टोटल फास्फोरस, बस आप ये देख लिया करें कि ये टोटल फास्फोरस लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। अगर फास्फोरस की क्वांटिटी उस पैकेट पे लिखी हुई है, उस पैकेट के बैग पे, अब जैसे कि ये एक पैकेट है मेरे पास, देखिए इसमें गोल्ड फिश भी बनी हुई है और इसके अंदर गप्पीज भी बनी हुई है, बहुत सारी इसके अंदर ट्रॉपिकल फिश है। तो बस इसके पीछे जो ये जो है ना फास्फोरस, ये लाजमी देख लीजिएगा। ये फास्फोरस अगर आपके फूड में है तो आपका फूड जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है, बहुत ज़्यादा अच्छा है और फिश के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। फास्फोरस आप लोगों में ज़्यादातर लोगों को पता होगा फास्फोरस क्या करता है। फास्फोरस एक जो है, सिंपल वर्डों में आपको बता दूं, मैं आपको सिंपल वर्डों में बता दूं, आप ये वाला फूड जो है फिश को खिलाएंगे, इस फूड से फिश का हाजमा बहुत अच्छा होगा, फिश बिल्कुल सही रहेगी, एक्टिव रहेगी, बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, फिश का जो हाजमा बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा और बिल्कुल फिट रहेगी आपकी फ़िश, और बेबीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा देगी क्योंकि इसके अंदर फैट भी क्वांटिटी भी है। फैट की क्वांटिटी देखें, ये इसके अंदर फैट है, प्रोटीन है, बहुत सारी इसके अंदर बहुत सारी अच्छी चीज़ें, कैल्शियम है, लेकिन फास्फोरस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके फूड में फास्फोरस है तो बस फिर तो कोई मसला ही नहीं है, फिर तो आपका फूड जो है बेस्ट फूड है। लेकिन अगर फास्फोरस नहीं है तो कोई ऐसा फूड लेकर आए जिसके पीछे फास्फोरस की क्वांटिटी लिखी भी हो, मिनिमम क्वांटिटी लिखी भी हो। मैं आपको एक तस्वीर भी सेंड कर देता हूँ, देखें न्यू बॉर्न बेबी दिया है अभी किसी फिश ने, अभी किसी ने दिया है, मुझे अभी नज़र आया। तो मैं आपको बता देता हूँ, एक पिक भी मैं लगा देता हूँ उस तस्वीर के आगे, ये पिक आप भी आ रही होगी आपके स्क्रीन पर, ये देखें इसमें भी फास्फोरस की क्वांटिटी लिखी हुई है कि फास्फोरस की मिनिमम क्वांटिटी इतनी है। एक पिक भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये देखें फास्फोरस एक्चुअली काम क्या करता है, ये अभी आपके सामने एक पिक आ रही होगी, आप ये भी चेक कर सकते हैं कि देखें ये जो है फ़िश खाएगी, फ़िश के हाजमे के अंदर ये फास्फोरस जो होगा तो वो जो है बहुत अच्छा रहेगा फ़िश के लिए, और फ़िश का जो वेस्ट है वो बहुत ज़्यादा कम होगा और बहुत ही जल्दी डाइल्यूट हो जाएगा और वो गुड बैक्टीरिया बना देगा फ़िश का जो फूड है वेस्ट जो है। तो बस यही आपको बता रहा था कि फास्फोरस आप अपना देखें, लाजमी देखें। ये पूरा पैकेट मैंने ख़त्म कर दिया, इससे पहले वाला पैकेट भी मैंने फुल ख़त्म कर दिया, ये पैकेट फुल एंड हो गया, इसको मैंने भर लिया अपने छोटे से जार के अंदर, तो ये पैकेट पूरा मैंने खिला दिया। फास्फोरस बेहतरीन चीज़ है, फास्फोरस देखें, फास्फोरस हो तो आप फूड लें वरना आप फूड नहीं लें, सही है। अब मैंने आपको बता दिया है कि कैसे पता चलता है कि फूड ये अच्छा है या बुरा है। आप ये नहीं पूछा करेंगे कौन सी कंपनी का आप यूज़ कर रहे हो, ऑप्टिमम गोल्ड यूज़ कर रहे हो या कोई सी भी कंपनी का फूड यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ उसके पीछे बैग पे, भले लोकल कंपनी हो वो उसके बैग पे फास्फोरस की क्वांटिटी लिखी हुई हो और सही क्वांटिटी लिखी हुई हो कि हाँ ये इसका फास्फोरस लाजमी है, सही है फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।